नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। रतिया के एसडीएम सुरेंद्र बेनीवाल ने किया कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण। पुलिस और स्वास्थ्य तथा नगरपालिका अधिकारियों के साथ लेकर के निरीक्षण किया गया। वार्ड नंबर 11 नथवान आदि कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया गया। कोरोना पीड़ित परिवारों के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बातचीत कर समस्याओं को भी जाना। इसके अलावा जिस कंटेनमेंट जोन और क्षेत्र में बैरिकेड्स नहीं हैं वहां पर बैरिकेड लगाने के लिए निर्देश भी दिए गए। इसके साथ साथ कोरोना पीड़ित परिवारों के लोगों को बाहर निकलने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए। निरीक्षण में एसडीएम के साथ रहे डीएसपी सुभाष बिश्नोई तथा तहसीलदार विजय मोहन सिलाय, एसएमओ डॉक्टर भरत सहारण, नगरपालिका सचिव सुरेंद्र कुमार, सिटी एसएचओ मनदीप सिंह और हेल्थ इंस्पेक्टर राजेश कुमार भी साथ थे। पलपल रतिया से राजेंद्र मित्तल की विशेष रिपोर्ट। जी सर, आज आपने कहाँ कहाँ निरीक्षण किया सर? जैसा COVID-19 पॉजिटिव केसेस हमारे इलाके में अब धीरे धीरे थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं और रतिया के अंदर वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 17 यहाँ पे केसेस ज़्यादा है। तो अभी फिलहाल वार्ड नंबर 11 का हमने निरीक्षण किया, इसके बाद वार्ड नंबर 16 और 17 में भी जाएंगे। गाँव में नथवान गाँव है, मेहमटकी गाँव है, कुछ एक यहाँ पे केसेज हैं, तो उन गाँव का भी हम पूरा प्रशासन वहाँ पे दौरा करेगा। जो पॉजिटिव केसेस हैं, जो पेशेंट हैं, उनका हालचाल जान रहे, स्वास्थ्य विभाग की टीम, पुलिस प्रशासन, हमारा नगरपालिका, सारे के सारे लोग। आज के निरीक्षण के दौरान आपको क्या दिखाई दिया है? ठीक है, जितने हमारे कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं, अभी मैंने जैसे फिलहाल 4 कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया, चारों कंटेनमेंट जोन हमारे बिल्कुल सही हैं। लोगों से बातचीत हुई, कोई भी परेशानी नहीं है जो भी कंटेनमेंट जोन में रहे। कई बार इस प्रकार की शिकायतें आती रहती हैं कि जो लोग कंटेनमेंट जोन के अंदर है वो बाहर निकलते हैं, आसपास के लोगों से भी पूछा गया, लेकिन लोग भी कह रहे हैं कि भाई ये लोग बाहर नहीं निकल रहे, और जो भी सरकार की या स्वास्थ्य विभाग की जो नियम है उनकी ये पालना कर रहे हैं। तो कंटेनमेंट जोन में कुछ ऐसी शिकायतें आ रही हैं जैसे उनके परिवार के लोग भी बाहर आ जाते हैं, जी दुकानें खोल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना आपका? यदि इस प्रकार की शिकायतें वाजिब हैं तो उनको बिल्कुल अपने घर के अंदर कंटेन किया जाएगा, और फिर भी यदि वो नहीं मानते तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51-60 उनके तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, आगे आपने कोई गांव वगैरह में भी निरीक्षण करने जाना जी? अभी नथवान में अगला जो निरीक्षण करेंगे वो नथवान में और पिलछिया गांव में। ठीक है।